सभी को नमस्कार। आज का हमारा पाठ पहलवान की ढोलक और इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किस राज्य के निवासी थे? फणीश्वर नाथ रेणु इस पाठ के लेखक हैं, वो किस देश के राज्य के निवासी थे? तो चार ऑप्शन हमें यहाँ पर मिले हैं, दिल्ली, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इनमें से एक बताना है। तो इसका सही जवाब है बिहार। दूसरा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के किस जिले के आरोही हिंगना गांव के निवासी थे? तो इसमें चार ऑप्शन है, पटना, अररिया, भागलपुर और गोपालगंज। तो अररिया के वो निवासी थे। हमारा प्रश्न आता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1921 में। हमें ऑप्शन मिले हैं चार, 1921, 20, 30 या 22। तो 21 याद रख लीजिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हो आप ये चीज़ें। हमारा प्रश्न आता है कि रेणु साहित्य में किस प्रकार के लेखक थे? तो साहित्यकार थे, ऑप्शन है साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, आंचलिक उपन्यासकार थे या व्यंग्यकार थे। तो हमारा सही जवाब है आंचलिक उपन्यासकार थे वो, फणीश्वर नाथ रेणु जी। आप ये भी याद कर सकते हो। सारे प्रश्न यदि आपको आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ रहा है कि रेणु का सबसे लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, मेला आंचल, दीर्घ तपा, प्रतिपरी कथा और कितने चौराहे। सही जवाब है मेला आंचल। तो यहाँ पर आप मेला आंचल को नोट डाउन कर लीजिए। हमारा प्रश्न आता है कि पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लुटन, दूसरा है लोटन, तीसरा है छोटन और चौथा है शरद। तो यहाँ पर पहलवान लुटन जो है वो यहाँ का मुख्य पात्र है। तो पहला जवाब सही है, ऑप्शन ए जवाब सही है यहाँ पर। अगला हमारा प्रश्न आ रहा है कि कवि के अनुसार अमावस्या की रात कैसी थी? ऑप्शन है काली, दूसरा ऑप्शन है ठंडी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है भयावह। तो काली ठंडी रात में ये घटना हुई थी महामारी वाली। तो ए और बी जो दोनों ऑप्शन है वो सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। प्रश्न आ जाता है कि कहाँ से कीदड़ और उल्लुओं की आवाज़ आ रही थी? पहला ऑप्शन है गांव से, दूसरा ऑप्शन है जंगल से, तीसरा ऑप्शन है खेत से, चौथा ऑप्शन है पहाड़ से। तो हमारा सही जवाब है जंगल से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि किस बीमारी के भय से गाँव के लोग डर रहे थे? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है हैजा, तीसरा है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है मलेरिया भी था और हैजा भी था, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरीजों के भगवान से टेर की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? पहला है झोपड़ी से, दूसरा जंगल से, तीसरा अस्पताल से, चौथा गांव से। तो सही उत्तर है आवाज़ झोपड़ी से आ रही थी। हमारा प्रश्न आता है कि कुत्ते जाड़े से राख की ढेर में कैसे सो रहे थे? पहला ऑप्शन है पसर कर, दूसरा है शरीर को झाड़ कर, तीसरा शरीर को सिकोड़ कर या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो शरीर को सिकोड़ करके सो रहे थे क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी राख के ढेर में ठंड के समय पर। प्रश्न आता है कि लुटन किस वर्ष अनाथ हो गया था? ऑप्शन है 9 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष में, तीसरा 12 में या 16 वर्ष की आयु में। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर है 9 वर्ष की आयु में, उसके माता पिता चल बसे थे। प्रश्न आ जाता है कि लुटन को किसने पाला था? तो पहला ऑप्शन है माँ ने, दूसरा है सास ने, तीसरा जमींदार ने, चौथा साहूकार ने। यहाँ पर सही जवाब है उसकी सास ने उसे पाला था क्योंकि उसकी छोटी आयु में ही शादी हो गई थी। प्रश्न आता है कि गांव वालों की प्रताड़ना के कारण लुटन क्या बन गया था? इसमें भी चार ऑप्शन मिले हैं, डाकू, दूसरा पहलवान, तीसरा जेबकतरा, चौथा नेता। तो सही जवाब है पहलवान, क्योंकि पूरी कहानी ही लुटन पहलवान पर है, आपको पता भी है।